इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर परम्यूटेशन का कोई भी सवाल आए, और काफ़ी ट्रिकी सवाल आते हैं जिसमें नंबर्स इंक्लूड हों, तो उनको करने का हम एक मेथड डेवलप कर लेते हैं ताकि हर क्वेश्चन में उसको अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो मैंने दो एग्जांपल्स निकाल के रखी हुई हैं यहाँ पर, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। और फिर आप कोई भी क्वेश्चन ट्राई करो नंबर्स का, जिसमें आपको कहा जाए ऑड हो, इवन हो, इससे ग्रेटर हो, उससे लेसर, कोई भी सवाल हो आप उसको इजीली कर सकते हो। बट बिफोर दैट यू नीड टू लिसन केयरफुली। इट सेज अ फाइव डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम द सेवन डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड 9। ईच डिजिट कैन ओनली बी यूज्ड वंस इन एनी फाइव डिजिट नंबर। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट फाइव डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। There are no restrictions. तो भाई पहले वाले में उसने कह दिया कि कोई restriction नहीं है। आप जो number बना रहे हो, आप बना रहे हो एक five digit number, ठीक है ना, ये important है। और आपके पास numbers के options कितने हैं भाई, seven digit में से आप कोई five digit number बना रहे हो, सही है ना। तो पहला तो बहुत ही simple सवाल पहले आप simple कर दोगे, भाई seven numbers हैं, उनमें से मैं कोई पाँच number का digit बना रहा हूँ, तो ये तो आ जाएगा simple 7p5। इसकी ज़रा हम वैल्यू देख लें, 7p5 इट इज़ इक्वल्स टू 2520। तो पहला सवाल तो बहुत ही आपका सिंपल है, 2520 ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अगला पार्ट देखते हैं, द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अब बेटा आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज इसकी होनी चाहिए कि अगर आपका नंबर डिविजिबल बाय 5 है, इसका मतलब क्या हुआ, इट मस्ट एंड्स एट 0 या फिर 5। अगर आपका नंबर डिविजिबल बाय 5 है तो उसके एंड पे या तो 0 है या फिर 5 है। अब देखो बेटा मेरे पास गिवन ऑप्शंस में 0 तो है ही नहीं, इसका मतलब है जो नंबर मैं ढूंढ रहा हूँ उसके आखिर में 5 आना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, मैंने कहा भाई आखिर में तो होना चाहिए 5। अब बेटा मेरे पास पॉसिबल नंबर्स क्या क्या थे, मेरे पास नंबर थे रुक दिए हुए क्वेश्चन में, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 8 है और 9 है, ऐसा ही है। इसमें से 5 को तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मेरे पास बचे कितने नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब मैं ये कहूँगा कि जो मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पर, इनमें मेरे पास आएगा 6p4, ये आंसर होगा मेरा। तो मेरा आंसर लिखा जाएगा 6p4, इसकी वैल्यू निकालते हैं 6p4 की, इट इज़ इक्वल्स टू 360। बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का, ऑलराइट। अब इसको आपने मल्टीप्लाई 5 से नहीं करना, दिमाग में रखिएगा ये 5 नंबर्स नहीं है, 5 तो हमने नंबर लिया। अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस की बात करें तो ये तो खाली एक नंबर ऑप्शन लिया ना मैंने, खाली एक 5 आ सकता है यहाँ पर, तो 5 जब यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर तो 5 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, उसने कहा है कि हर नंबर सिर्फ एक दफ़ा यूज़ किया जाएगा। तो जब 5 यहाँ पर आ गया इसका मतलब 5 यहाँ नहीं आएगा, 5 यहाँ से कट गया हमारे पास, 6 नंबर बचे, 6 में से कोई 4 आ सकते हैं, 6p4 is 360, ये आपका आंसर हो गया। ऑलराइट, अब नेक्स्ट वन, द नंबर इज ग्रेटर देन 60,000, 1, 2, 3, 4, 5। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9। अब अगर नंबर 60,000 से ग्रेटर है, ऑलराइट, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास पहले नंबर के लिए 3 ऑप्शंस हैं, या तो फर्स्ट पर मेरे पास 6 आएगा, या फर्स्ट पर मेरे पास 8 आएगा, या फर्स्ट से मेरे पास 9 आएगा। अगर इन 3 नंबर में से कोई एक नंबर शुरू में आएगा तो नंबर 60,000 से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो मैंने कहा भाई मेरे पास 3 नंबर के ऑप्शंस हैं, तो 3 में से कोई एक नंबर आ सकता है, सो दैट इज 3p1। लेट सपोज कि मेरे पास मैंने 8 पिक कर लिया, अब अगर 8 पिक हो गया तो 8 यहाँ नहीं आ सकता, अब कितने ऑप्शन बचे, अब बचे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब मैं ये कहूँगा कि अब जितने ऑप्शन बच चुके हैं मेरे पास, ये हो जाएगा 6p4। तो आंसर क्या लिखा जाएगा, आंसर लिखा जाएगा 3p1 मल्टीप्लाई बाय 6p4 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1080। ये आ गया आपके पास इसका आंसर, ऑलराइट। आई होप के बात समझ में आ गई होगी। नंबर ग्रेटर देन 60,000 का आवा है आपको, इसका मतलब है पहला जो ऑप्शन होगा उसमें या तो नंबर 6 हो या फिर 8 हो या नंबर 9 हो, तभी तो नंबर 60,000 से बड़ा होगा। अब आपने 3 में से कोई एक नंबर सेलेक्ट कर लिया, हमने माना कि 8 ले लिया, मान ले कोई भी नंबर आप ले लें, अगर आपने वो नंबर ले लिया इसका मतलब है कि अब वो नंबर आगे नहीं आ सकता, कंडीशन ये कह रही है कि हर नंबर एक दफ़ा यूज़ होगा।
तो आगे आने वाले में हमारे पास 6 ऑप्शन बचे और 6 में से आपने कोई 4 सेलेक्ट करने, ये इसका आंसर आ गया। अब आते हैं लास्ट पार्ट पर, नंबर इज ग्रेटर भी हो और इवन भी हो। देखिए इस तरह के सवालों में मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप केसेस बना के करो। कैसे केस बनाओगे आप देखो बेटा, नंबर ग्रेटर देन 60 और इवन नंबर, तो मान ले मैं इवन नंबर पे केसेस बनाता हूँ, ठीक है ना। मेरे पास इवन नंबर कितने, एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा और एक नंबर ये रहा, तीन मेरे पास इवन नंबर है ना, और हम सेलेक्ट कर रहे हैं 5 डिजिट नंबर, तो 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 5। आप हमेशा इसको ऐसे किया करें, कभी गलती नहीं होगी। मैंने सेलेक्ट किया है इवन नंबर, इवन नंबर का मतलब क्या हुआ, लास्ट में या तो 2 होगा या फिर लास्ट में 6 होगा या फिर लास्ट में मेरे पास 8 होगा, और तो कोई इवन नंबर बचा ही नहीं है। अब इसके करने की वजह मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। पहले सुने कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर्स क्या है मेरे पास, मेरे पास नंबर्स हैं 1 2 3 5 6 8 9, ये नंबर्स हैं, ये मैं अभी लिखूंगा 1 2 3 5 6 8 9। ये खाली समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं बार बार 3 5 6 8 9। अब देखें, पहले मैंने ये कह दिया कि मेरे पास 2 जो है वो पिक्ड हो चुका है, तो 2 पिक्ड हो गया मेरे पास, ठीक है ना। फिर मेरे पास 6 पिक हो गया, फिर मेरे पास 8 पिक हो गया, अच्छा जी। दूसरी कंडीशन क्या है कि नंबर शुड बी ग्रेटर देन 60,000। इसका मतलब यहाँ पर अगर 2 मैंने पिक कर लिया तो यहाँ पे मेरे पास जो नंबर आ सकता है वो इन तीन में से कोई एक आ सकता है, ऐसे ही है ना, क्योंकि नंबर शुड बी ग्रेटर देन 60,000। तो मेरे पास यहाँ पर आएगा 3P1। अच्छा, अब जो नंबर मेरे पास बचे हैं इसके लिए कितने ऑप्शन हैं, मान लें कि इनमें से कोई एक नंबर मैंने पिक कर लिया, मैंने 6 पिक कर लिया, ठीक है, 6 यहाँ पिक हो गया, 2 पिक हो गया, अब कितने नंबर बचे, 1 2 3 4 5। अब इन 5 में से मैं कोई भी 3 ले सकता हूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 5P3 मल्टीप्लाई बाय 3P1। ये मेरा पहला केस हो गया प्लस। अब यहाँ देखें, यहाँ पर आपने 6 ऑलरेडी पिक कर लिया, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अब यहाँ 6 नहीं आ सकता। ये वो वजह है जो मैं कहता हूँ आप केसेस बना के काम करें। अगर आप केसेस बना के ना करते तो आप 6 को शायद 2 जगह काउंट करते, क्योंकि 6 तो इवन नंबर में भी आ रहा है और 6 इस कंडीशन में भी आ रहा है। तो जब हमने केसेस बना लिए 6 के, अब मुझे पता लग गया कि अब जो मेरे पास शुरू के ऑप्शंस हैं उसमें ये 2 नंबर मेरे पास खाली वैलिड है, 8 आएगा या फिर 9 आएगा, तो अब ये हो जाएगा 2P1। मान लीजिए कि मैंने 8 पिक कर लिया, अब बचे कितने मेरे पास, 1 2 3 4 5, तो अब मेरे पास आएगा यहाँ पर 5P3। तो आंसर क्या बनेगा इसका, इसका आंसर बनेगा 2P1 मल्टीप्लाई बाय 5P3। अब आते हैं लास्ट वाले पर, लास्ट वाले पे भी कहानी सेम है कि जब 8 यहाँ आ गया तो यहाँ पर या तो 6 आएगा या फिर 9 आएगा, अगेन वही बात हुई 2P1 × 5P3, सेम कॉन्सेप्ट। तो ये लास्ट वाला आ गया मेरे पास प्लस 2P1 × 5P3। सिंप्लीफाई करते हैं बेटा इसको, ठीक है, तो मेरे पास 5P3 का आंसर आ रहा है 60, तो ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, 3P1 is 3, 2P1 is 2 and 2P1 is 2, तो 60 × 2 = 120 प्लस 120 ये आ गया 240 दोनों का मिला के, और 3 × 2 = 60 is 180, तो 180 प्लस 240 = 420, ये 420 बेटा इसका आंसर आएगा। याद रखें जब आपके पास सवाल ऐसा हो ना, नंबर्स का सवाल, हमेशा कंडीशन उसकी ब्रेक करके आप सॉल्व करें, गलती का चांस 0 हो जाएगा, आप हमेशा आंसर सही लेकर आओगे। ये सवाल हमेशा इसी फॉर्म में आता है, आपको 2 कंडीशन साथ दी जाएंगी, तो आप उन 2 कंडीशन के लिए क्या करोगे, केसेस को ब्रेक कर लोगे, और ब्रेक करने के बाद आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। कोई भी सवाल पास पेपर का आपको अटैम्प्ट करना हो, इसी कंडीशन के साथ अटैम्प्ट करना, इंशाल्लाह ठीक होगा।